चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा का बख, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तख्त, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। इन भात की हकीकत ये होई एक दिन इस्लाम, इन से ती काफर फिरे रखे रबानी कलाम, रखे रबानी कलाम। कुरान हदीसों की साहिदी धामदनी, अक्षरातीत हमारे प्राणों के प्रीतम, ये दिल्ली के घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रमों को जोड़ते हुए कल हमने सत्य की गुंज पूरे संसार में, और आज जो झगड़े चल रहे संसार में ये भी हिंदू और मुस्लिमों का ही चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और वेद और कतेब हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक झंडे के नीचे कैसे लाया जाए, कैसे समझाया जाए। तुम जिसको खुदा ताला अल्लाह ताला कहते हो वही तो परब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद श्री अखरुल इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा है। तो ये सनंद ग्रंथ का जब कल अवतरण हुआ, वैसे तो आज से 400 साल पूर्व, लेकिन घटनाक्रम के हिसाब से कल सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ। और आगे इसी प्रसंग में ही हमने बीच में बिहारी जी का एक किस्सा, जिसमें प्रेम जी, नाग जी और संग जी, उसके बाद अंतिम हमने नलुए के प्रसंग को देखते हुए जब हम आगे बढ़े, तब सात क्यामत के जो निशान जाहिर होने वाले थे कब, तो बताया कि जब ये अखरुल जमा साहिबुज्जमा इमाम मेहंदी इस संसार में क्यामत के समय प्रकट हो गए, और ये सात निशान भी जाहिर हो गए, तो ये सात निशान की चर्चा हमने कल श्रवण की सुनी। अंतिम हमने आगे इस चौपाई को दोहराते हुए सुना के
इस नलुए के अंदर और भी क्या लिखा था हकीकत क्यामत की, जो बातें लिखी हुई थी। तो बताया कि ये नलुओं को जो स्वीकार नहीं करेंगे उसको खुदा ताला अल्लाह ताला और की ओर से फिटकार मिलेगी, धिक्कार मिलेगी। और ये नलुआ पूरे संसार में एक सत्य स्थापित करने वाला, एक सत्य की गूंज करने वाला है। और आगे इस चौपाई में देखा कि कुरान हदीसों की शायदी देखे लिखे बनाए। इस नलुए में कुरान और हदीसों के प्रमाण देकर क्या लिखा था कि हे मुस्लिम लोग, तुम उसको स्वीकार कर लो, ये सत्य की गूंज हो रही है। आज आपके दरबार में, आपके सामने ये इमाम मेहंदी के मोमिन आके प्रत्यक्ष रूब हो के आपको संदेश दे रहे। आप कितने बदनसीब है, आप कितने कम भागी है कि आप, आपके घरे आए हुए इमाम मेहंदी के संदेश को ठुकरा रहे हो। हमने अगले सब प्रसंगों में देखा और आज ये नलुआ जब पहुंचाने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ सुंदर साजी जो वाणी के माध्यम से भी साक्षियाँ दी है, मेरे मीठे बोले साथ जी वाह तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम। ये तो धाम धनी ने महामती के धाम दिल में बैठकर हम सब सुंदर साथ को प्रबोधित करने के लिए ये किरंतन। लेकिन अगले पहले जो ये आगम वाणी, ये भविष्यवाणी का कथन किया था, ये कथन अभी जो घटित होने वाला था, क्या दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आई पहुँचा अवसर, आई पहुँचा अवसर, फुर मन में फुर माइया, फुर मन में फुर माइया, आया सो आखिर सखी रे धाम जाइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। और एक जगह और भी वाणी में लिखा के लिखिया कोल फुरमान में। और इससे अगली चौपाई में भी आपने सुना, क्या सुना कि मोहम्मद साहेब ने क्या साक्षी लिखी थी कि मेरे जाने के बाद 1100 साल के बाद ये रूहल्ला, ये इमाम मेहंदी आएंगे, मैं भी उनके साथ रहूंगा। तो ये सब साक्षियां, ये सब कौल आज मिल रहे हैं। और आगे यहां ये सब बात के बातों से सावचेत करते हुए और आगे बताया कि श्री जी ने क्या आदेश दिया। कांजी भाई को बोले श्री जी कि हे कांजी भाई, ये नलुआ, ये पत्र लेकर आप संदेशवाहक के रूप में ये बादशाह के जो नदी की व्यक्ति है, अधिकारी लोग है, उसको जाके दे दीजिए और उसको बोलिए कि ये दीन इस्लाम की जो मूल बातें हैं, ये जो वास्तविकता है, इतना नहीं और भी आगे बताया श्री जी ने कांजी भाई को कि उसको जाके यही बताइए। क्या बताइए कि आप जिस खुदा ताला, जिस अल्लाह ताला की
आप राह दिखते थे, इतना नहीं जो आपके कुरान में नासुत छोड़कर, मलकुत छोड़कर, जबरुत छोड़कर, चौथे आसमान जो लाहुत की बात और से आजम और से अजीम की जो बात लिखी है, वही खुदा ताला, वही मोमिन, वही रूहल्ला, वही इमाम मेहंदी, वही क्यामत संबंधी सात निशान प्रकट हो चुके हैं। तो आप स्वीकार कर लीजिए। सुंदर सा जी, ये 400 वर्ष पूर्व ये घटना घटित हो गई, आज हमारे पर क्या नलवे आ रहे हैं? क्या हमारे पर कभी भी नलवे नहीं आए? क्या हमारे ऊपर कोई पत्र नहीं आया? ये बित्तक के माध्यम से 400 साल पूर्व घटित हुई घटना को धामधनी इस प्रसंग के माध्यम से बता रहे। सुंदरसा जी, हमने भी इस निजानंद की राह पर चलते चलते इतने साल हमने पूरे किए, इतने समय में कितनी बार राज्य ने हमको भी कई विद्वानों की माध्यम से, कई गुरुजनों के माध्यम से, कई सतगुरु के माध्यम से, कई परमंशों की जीवनी के माध्यम से, ये वाणी तो ये संदेश दे ही रही है, लेकिन नलुए के रूप में कितनी बार संदेश दिया होगा कि तुम जागो, कब तक इस माया में बैठे रहोगे? हमारे सिर पर देखो ने, हमने जयराम भाई कंसारा का प्रसंग जब देवबंदर में सुना, तब यही तो बोला श्री जी ने वहाँ जाके कि जयराम भाई, कब लोकासा कूटेगे, एरण हथौड़ा लेकर आपके सिर पर क्यामत आ गई, कब तक घर में बैठे रहोगे? तो ये नलुआ तो था, श्री जी वहाँ जाके वाणी उतरती जाती थी, नलुआ मतलब संदेश, एक रसूल वाहक के रूप में श्री जी तभी भी संदेश देते थे, और आज ये वाणी के माध्यम से जिस जिस तन को ये शोभा मिली, ये संदेश देने की, ये मैसेज देने की, ये प्रचार प्रसार, ये वाणी का तारतम वाणी का ज्ञान देने की जो भी शोभा मिली है, तो ये आज हम अभी सुन रहे हैं, या पहले भी जो भी चर्चाएँ हमने सुनी, चाहे मीडियो के माध्यम से सुनी, चाहे प्रोग्राम के माध्यम से सुनी, चाहे कोई भी भंडारा कार्यक्रम या कोई भी स्थान पर हमने सुना, या कोई के किसी विद्वान सुंदर साथ के मुखारविंद से हमने आपस में मसलत की, चर्चा की, तो एक नलुवा तो है। हमने कितना माना ये धामधनी की बात को, हमने कितना स्वीकार किया? क्या ये पांच अधिकारी नहीं, अधिकारी ने ही नहीं माना कि हम भी यही लीला में है, हम भी वही भाग की भूमिका ही बजवा रहे, निभा रहे हैं? यहां धामधनी क्या बता रहे इस नलुए के माध्यम से कि सुंदर साहब जी, हमारे पर भी व्रज में भी नलुए आए, तब वाणी नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण जी के तन में राज्य की आवेश शक्ति ने कैसी प्रेम की लीला की, तभी भी हम पूरी नींद में रहे। दूसरा नलुआ रास में आया, आदि नींद उड़ाई, राज्य ने प्रेम के विलास की लीला करके संदेश के रूप में अपनी पहचान करवाई। तीसरा नलुआ इसमें बताया कि आकिल खान को देने के लिए जाएंगे, लेकिन आकिल खान ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने बोला कि मेरा तो इस नलुए पर नाम ही नहीं है। तो तीसरे दिन मोहम्मद साहब आए, तब हम ब्रह्मात्माओं का बताया ने हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, तो हकीकत मार्फत की कौन आगे करे बयान। तो तीसरे दिन में हम आए ही नहीं थे, तो कौन स्वीकार करते नलुए को? और चौथे दिन में बताया कि हजरत ईसा रूहल्ला आए, तभी भी पूर्ण रूप से पहचान नहीं हो पाई, ये वाणी भी नहीं उतरी थी। तो चौथा रजवी खान दीवान को दिया, और पांचवा नलवा सीधी पोलाद, लेकिन
अंतिम जब पांचों के वहां जाते हैं तो अंतिम रिजवी खान दीवान को जब नलुवा सुनाते हैं तब श्री जी क्या बोलेंगे। मैं अगले ही प्रसंग को इसलिए बता रही हूँ कि बातूनी रूप में ये नलुवा कहाँ पर घटित होता है, ये प्रसंग कहाँ पर घटित होता है। सुंदर साजी जब दोबारा फिर कांजीबाई जाते हैं तो पांचवा नलवा रजवी खान दीवान को देते, तो रजवी खान को जब कांजीबाई बोलते हैं कि ये नलवा जो आपके ऊपर आया है ना उसका ये जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये मैं पत्र के माध्यम से खुशखबरी लाया हूँ, आप अपने दिल में ये नलवा पढ़कर खुशी मनाइए। तब रजवी खान ये जवाब देंगे कि क्या खुशी, खाक खुशी मनाइए, तुम तो आज ही क्यामत का संदेश लेकर आए हो, अभी तो हमारी दुनिया की कई ख्वाहिश इच्छाएं बाकी है। तो सुंदर साह जी पांचवा नलवा क्या है, ध्यान से सुनिए, पांचवा नलवा रजवी खान दीवान कोई और दूसरा नहीं है, पांचवा नलवा रजवी खान दीवान हम तो बनकर बैठे हैं, हम ही तो रजवी खान है। श्री जी ने बोला कि पांचवें दिन में चारों दिनों की शोभा उस दिल में तो समा गई, महामती के धाम दिल में, पांचवें दिन में चारों दिन की शोभा कहां समा गई, पांचवें दिन में महामती के धाम दिल में, और पांचवें दिन में जो खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी उतरी, तो क्या खुशी, क्या ईद का दिन, क्या खुशी का दिन। तो यहाँ ये लोग तो जाहिरी मुसलमान है, सही में वास्तविक मुसलमान कौन है, सच्चा मुसलमान कौन है, मुसल ईमान, मुसल मतलब दृढ़, जो दृढ़ ईमान है एक अक्षरातीत एक खुदा ताला ऊपर, मुसल ईमान, मुसल मतलब जो एक लकड़ी का वो बनता उसी जैसा पूरा अपना ईमान, एक अक्षरातीत पर अपना विश्वास, विश्वास अतुट श्रद्धा अतुट निष्ठा, मुसलमान तो उसी को कहते हैं। या दिन मुसलमान, या दिन मुसलमान, ये जाहिरी मुसलमानों के लिए थोड़ी बात कही है, ये तो उसके प्रसंग को बस एक माध्यम बनाकर आज हमारे सुंदर साथ को धामधनी समझा रहे हैं। तो यहां कांजी भाई को संदेश वाहक बनाकर ये नलुवे पत्र कांजी भाई के हाथ में दिए और श्री जी ने क्या बोला कि जाओ तुम बादशाह के पांच नदी के अधिकारी लोग हैं उसको दे दो और इसी बातों को सूचित करो, सावचेत करो। इतना नहीं, कांजी भाई को ये भी, श्री जी को ये भी डर था, इसलिए कांजी भाई के साथ और भी थोड़े सुंदर साथ को, दो तीन सुंदर साथ को भेजते हैं कि तुम उससे थोड़ा दूर लेकिन उसके साथ बने रहो, उसी नदी के में बने रहो, ऐसा आदेश श्री जी ने दिया। कांजी भाई श्री जी का आदेश सिरोधार्य करके निकल गए। सुंदर सा जी किसकी बात है, ध्यान से सुनिए बच्चों, राज्य भी कोई भी सुंदर साथ की सेवा जब जागनी कार्य में लेना चाहते हैं, राज्य कोई भी सुंदर साथ की सेवा जागनी कार्य में लेना चाहते हैं, चाहे तन की हो, ध्यान से, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, चाहे जीव की हो, चाहे आत्मा की हो, चाहे अंतस्करण इंद्रियों के धरातल पर हो, राज्य जो भी आदेश करे, जो भी हुक्म करे, तो बस सिरोधार्य कर लेना है, बस उसी की ओर देखना ही नहीं है, मोड़ के देखना ही नहीं है कि श्री जी ने क्या आदेश दिया, क्या मेरे से होगा या नहीं होगा। धामधनी ने क्या बताया कि महामती कहे कोई अरवा वो अरस से आई वही उतर, महामती कहे कोई अरवा अरस से आई वही उतर, सो इन स्वरूप के चरण ले के चली अपने घर। और आगे भी बताया कि महामती कहे पीछा न देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में ले के उड़ाई दीजिए अरवा।
पीछा नहीं देखना है। आज मोमिनों की कुर्बानी हम देखेंगे अगले प्रकरण में। क्या मोमिनों ने कुर्बानी सिर्फ कह के नहीं करके दिखाया है, सिर्फ कह के नहीं करके दिखाया है। तो इन मोमिनों के कदम कदम पर हमको भी चलना है, हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारी भी फर्ज बनती है, क्योंकि एक से ये काम होने वाला नहीं है, सबको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरे संसार को संदेश देना है। तो यहाँ धामधनी कांजी भाई को आदेश दिया और कांजी भाई निकल गए। और पहला नलुआ किस पर था, ऐसे पांचों व्यक्तियों का नाम बताया है कि पहला नलुआ, एक नलुआ शेख इस्लाम पर था, दूसरा शेख निजाम, शेख इस्लाम काजी था, दूसरा नलुआ शेख निजाम जो उसका उस्ताद गुरु था, तीसरा आकिल खान जो कुरान का मर्मज्ञ विद्वान था, और चौथा नलुआ रजवी खान जो उसका दीवान था, और पांचवा नलवा सिदी पोलाद जो उसका कोतवाल था। ये पांचों के लिए श्री जी ने कांजी भाई को आदेश कर दिया। कांजी भाई बस सिर पर लेकर, और अंदर कितनी निष्ठा रखी है कांजी भाई ने कि मेरे श्री जी ने काम सौंपा है। ये कोई और कोई थोड़ी है, ये कोई महापुरुष नहीं है, ये कोई अवतार नहीं है, ये कोई नारायण नहीं है, ये कोई अक्षर ब्रह्म भी नहीं है, ये कौन है? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, ये तो ब्रह्म से भी न्यारे अक्षरातीत है, मेरे प्राण के प्रीतम है, मेरे प्राण के नाथ है, मेरे प्राण के दुल्हा है। तो अंदर कितनी निष्ठा लेकर, सिर पर तो ये काम सौंपा, ये तो लेकर ये चले। हम भी सुंदर साथ जी, राज्य की सेवा, पूजा, वाणी पठन, ध्यान, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर हमारे अंदर कितनी निष्ठा है राज्य के प्रति, कितनी श्रद्धा है। देखो एक एक मोमिन जब इस सेवा के लिए निकल रहे हैं, इस जागनी के कार्य में निकल रहे हैं, आज कांजी भाई ये जागनी के पथ पर तो चल रहे हैं, यही मार्ग पर तो चल रहे हैं, जो हमको इस मार्ग पर चलना है, ये पथ प्रदर्शक है। कौन है ये? हमारे लिए पथ प्रदर्शक है, इतना नहीं हिदायत करने वाला है, मार्गदर्शन करने वाले ये हमारे मोमिन। क्या क्या कुर्बानी आगे, एक एक ब्रह्मात्मा क्या क्या कुर्बानी देगी। तो यहाँ कांजी भाई सबसे पहले ध्यान से सुनिए, शेख इस्लाम के पास जाते हैं जो उसका बादशाह का काजी है। वहाँ जाके जब शेख इस्लाम काजी को नलुआ दिया, काजी ने नलुआ हाथ में ले लिया और पूछा कि तुम्हारे फकीर कहाँ रहते हैं और तुम भी कौन हो और कहाँ से आए हो, हिंदू हो या मुस्लिम? काजी ने क्या पूछा, तुम हिंदू हो या मुस्लिम? तब कांजी भाई ने उत्तर दिया कि हमारा फकीर दूर एक एकांत में पहाड़ में रहते हैं। उसी के बारे में पूरा पता नहीं दिया, वो दूर एक पहाड़ में रहते हैं और मेरे को उसने एक संदेश भेजा है। ये संदेश एक क्यामत संबंधी इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं, इसी के बारे में है। हे काजी साहेब, हे जी साहेब, आप ये नलुआ को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप नलुआ को स्वीकार करेंगे ने तो मेरे को मेहनताना, क्या मैं तो उसका एक बस सेवक हो, एक चाकर हो, तो आप जब ये नलुआ स्वीकार कर लेंगे तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे। मैं तो पेट की रोजी रोटी के लिए ये काम करता हूँ, तो आप ये नलुए को स्वीकार कीजिए तो मेरे को पैसा मिल जाए। तब काजी ने क्या उत्तर दिया, काजी ने बोला
कि ये मेरे लिए है या औरों के लिए भी है। तब यहाँ कांजी भाई ने बोला कि नहीं, मैं तुमको पहले देने के लिए आया हूँ, और भी चार लोग हैं। कौन कौन? तो शेख निजाम, आकिल खान, सिदी पोलाद और रजवी खान। तब बोले कि जाओ तुम उसको नलुआ दे के आओ, वो क्या जवाब देता है, मैं उसका इंतजार करता हूँ, मैं राह देख कर बैठा हूँ, वो क्या उत्तर देगा, बाद में मैं भी उसी के अनुसार हम जवाब देंगे। वहाँ से कांजी भाई निकल गए और दूसरे शेख निजाम जो उसका उस्ताद था, गुरु था, वहाँ गए। वहाँ जाके उसके घर में जाके संदेश दिया और क्या कहा कांजी भाई ने कि शेख निजाम, ये नलवा को आप स्वीकार कीजिए और आप मेरे को उसका जवाब दीजिए, मैं उत्तर मांगने के लिए आया हूँ। तब उसने क्या पूछा शेख निजाम ने कि हे कांजी भाई, ये क्यामत संबंधी जो नलुवे है, ये आपको किसने भेजा है, आपके माध्यम से किसने भेजा है, भेजने वाले कौन है? तब कांजी भाई ने बोला कि ये नलुवे भेजने वाले हमारे एक फकीर है, वो दूर एकांत में एक पहाड़ में रहते हैं, उसका नाम सैयद मोहम्मद इबन इस्लाम है। तब फिर शेख निजाम ने बोला कि क्या ये मेरे लिए है या और दूसरे किसी के लिए भी है? तब बोले कि आप दूसरे हो, और तीन लोगों को देने के लिए मैं जा रहा हूँ। तब फिर शेख निजाम ने बोला कि तुम जाओ, वो लोग क्या उत्तर देते हैं, क्योंकि ये क्यामत संबंधी सात निशान, इमाम मेहंदी प्रकट होने का ये दावा है, ये इमामत का दावा है, ये अकेले मेरा काम नहीं है। और वहाँ से जब कांजी भाई निकले, तीसरे आकिल खान के वहाँ गए। आकिल खान को जब कांजी भाई नलुआ देने लगे, तब आकिल खान ने क्या बोला कि ये नलुआ मैं स्वीकार नहीं करूँगा। अभी मैंने अगले समझाया ने कि किन ज़्यादा किन कम लिए, किन कर डारे रद, हम भी क्या करते हैं, किसी ने ज़्यादा वाणी की गहराई में सुख लिया, किसी ने कम लिया, किसी ने तो ये वाणी स्वीकार ही नहीं की। आज हमारा कितना आधा समाज तो देखो भागवत और शास्त्रों की बात करते हैं, वाणी के मूल गुज रहस्यों को ढक दिया, हमारे वाणी के मार्फत की ज्ञान को ढक दिया, और क्या बोला कि ये तो प्राणनाथ एक प्रभु है, एक कवि है, एक संत है, एक देवचंद्र जी के शिष्य है, तो सुंदर शाह जी उन लोगों का क्या न्याय होगा, क्या सिर्फ आकिल खान का ही न्याय होगा? यहाँ आकिल खान ने नलुवा स्वीकार करने का मना कर दिया और उसने क्या बोला कि उस नलुवे पर मेरा नाम नहीं है, मैं कोई भी हालत में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसकी बदनसीबी थी कि खुदा ताला अल्लाह ताला स्वयं उसके मोमिन, क्योंकि बंदगी खुदा की करो या उसके मोमिनों की करो, उसमें बीच में कोई तफावत नहीं है, दोनों ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के समान है। तो यहाँ घर आए संदेश देने के लिए, लेकिन उसकी बदनसीबी थी, अपने अहंकार में, अपने गुमान में उसने नलुए को स्वीकार नहीं किया। तो कुरान में लिखा गया है कि जो इस नलुए को स्वीकार नहीं करेगा, उसको खुदा ताला की ओर से फिटकार लगेगी, धिक्कार लगेगी। तो यहाँ धामधनी हम सब सुंदर साथ को इस प्रसंग के माध्यम से प्रबोधित कर रहे कि सुंदर साथ जी, तुम भी इस वाणी की गहराई में जाके उसका चिंतन मंथन स्वाध्याय करके राज्य के दिल का
जो मार्फत जो प्रेरणा पहचान हम परम धाम में नहीं कर पाए थे, तो उस प्रेम की विरह की राह पर चलकर, विरह में डूबकर, प्रेम द्वारा प्रेम के मार्ग पर चलकर, ध्यान में डूबकर, राज्य के शोभा श्रृंगार में डूबकर, जो हम राज्य का दीदार यहाँ बैठे देखन का ठोर इत है, जो हम यहाँ बैठे ये प्रत्यक्ष राज्य को दीदार नहीं करेंगे, तो हमको भी धिक्कार है इस जीव को। राज्य ने इस नलवे के माध्यम से क्या सिखाया, इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठता हंसता सुख ले, इत ही बैठे घर जागे धाम। हम जो मनोरथ परम धाम में पूर्ण नहीं कर पाए थे, धाम धनी आज हमारी मन का मनोरथ पूर्ण करने के लिए राज्जी आज 400 साल से यही परंपरा में, यही बीतक के घटनाक्रम के माध्यम से राज्जी अब घड़ी, यही समय, यही साहित्य राज्जी, यही तो हमको आदेश दे रहे, यही तो सिखापन दे रहे, हमारी आत्मा को झंझोड़ रहे, हमारी आत्मा को जागृत कर रहे। तब कान्जी भाई वहां से निकल गए, चौथे रजवी खान के वहां गए और रजवी खान के हाथ में नलुवा दिया। रजवी खान ने क्या पूछा कि कान्जी भाई ये सिर्फ मेरे एक के लिए है या औरों के लिए भी है? तब कान्जी भाई ने बोला कि तीन को देकर आया, कौन कौन से, शेख इस्लाम, शेख निजाम और आकिल खान ने तो स्वीकार ही नहीं किया, और चौथे आप हो, और पांचवा सिद्धि पोलाद के घर पे मैं जा रहा हूँ, आप ये स्वीकार कीजिए और आप जल्दी से इनायत कीजिए, रहमत कीजिए मेरे पर, कृपा कीजिए और नलुवे का जवाब मेरे को जल्दी से दे दीजिए, तो मेरे को मेहनता ना, मैं एक संदेश वाहक के रूप में आया हूँ, तो मेरे को इसी के बदले मेरी पेट की रोजी रोटी के लिए ये थोड़े कुछ पैसे मिल जाए। तब ये रजवी खान ने क्या जवाब दिया दीवान ने कि मेरे एक का काम नहीं है, ये क्यामत संबंधी इमामत का दावा है, तुम औरों को भाई जवाब लेके आइए। तब हम पांचों मिलके ये इमामत का दावा है, एक साथ एकत्रित होके उसका जवाब देंगे। तब वहाँ से कान्जी भाई निकले, सिद्धि पोलाद के घर गए, सिद्धि पोलाद के वहाँ जाके क्या बोला कि सिद्धि पोलाद ये नलुवा मैं तेरे को देने के लिए आया हूँ, तुम उसका मेरे को उत्तर दे दीजिए। तब सिद्धि पोलाद ने बोला कोतवाल ने कि ये मेरे काम का नहीं है, मेरे को ये पता नहीं, मैं ये कुरान संबंधी ये इस्लाम संबंधी वास्तविकता को मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो कोतवाल हूँ। तब कान्जी भाई ने बोला कि तुम मेरे को जवाब दियो तो मेरे को मेहनताना मिल जाए। तब बोला कि तुम आगे जिस चीज़ को नलुवा दे के आए हो उसके पास उत्तर मांग के आओ, बाद में मैं जवाब दूंगा। कान्जी भाई थक हार कर अंतिम जो अपने सहयोगी सुंदर साथ थे वहाँ जाके मिले और जो जो घटना घटित हुई थी, जो जो घटनाक्रम घटित हुआ था वहाँ जाके सुंदर साथ को बताया कि ये लोग अपनी माया में मस्त है, ऐसे लिप्त हो गए हैं, ऐसे शरीयत के बंधनों में पूरा बंधा हुआ है कि किसी ने मेरा नहीं सुना। फिर जल्द जल्द श्री जी के पास गए और श्री जी के पास जाके पांचों अधिकारी के पास क्या क्या घटना घटित हुई नलुवा देने के समय ये श्री जी को पूरा विस्तार से बताया। किसने? कान्जी भाई ने कि श्री जी ये लोग मान नहीं रहे, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, ये पत्र ये संदेश देने के लिए
फिर दूसरे दिन कांजी भाई, फिर एक एक व्यक्ति के घर, फिर दूसरे दिन दूसरी तीसरी, ऐसे करते करते सुंदरसा जी, ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। और एक दूसरे पर वो डालते रहे कि नहीं दूसरा जवाब देगा, दूसरा कहते कि वो दूसरा जवाब देंगे तब हम साथ में मिलकर जवाब देंगे। तो फिर दूसरे दिन फिर शेख निजाम के वहाँ ये जाते हैं, कौन, कांजी भाई, कि जो मैं पत्र देके आपको गया था आप मेरे को जवाब दे दीजिए, ऐसे आजी जी के स्वर में, ऐसे प्रार्थना के स्वर में विनंती करते हैं कि जी हजूर, जी साहेब, इस नलुए का मेरे को जवाब दीजिए। तब शेख निजाम उस्ताद ने क्या बोला आप आगे सुनिए, कि आप ये क्यामत संबंधी, ये इमाम मेहंदी संबंधी, ये जो आखिर की बातें हैं, ये इतनी जल्दबाजी आप क्यों कर रहे हो, इतनी जल्दबाजी आप क्यों कर रहे हो, ये हमारा अकेले का मेरा काम नहीं है, हम ये तो औरंगजेब बादशाह का काम है, क्योंकि कुरान को तो वो जानते हैं बातूनी रूप में, कुरान का वो मर्मज्ञ विद्वान है। तो जब ये इमाम मेहंदी संबंधी, क्यामत संबंधी बात जब औरंगजेब बादशाह पढ़ लेगा, वो जवाब देगा, उसी के अनुसार हम भी मिलकर एक साथ एकत्रित होकर जवाब देंगे। तो वहाँ से कांजी भाई निकल गए। फिर शेख इस्लाम काजी के पास गए। शेख इस्लाम काजी को बोला कि मेरे को इस नलुए का जवाब दीजिए, सुंदरसा जी किसकी बात चल रही है, हमारी भी परीक्षा होती है। और आगे कुर्बानी के प्रकरण में हम समझेंगे विस्तार से, कई सुंदर साथ का कहना होता है कि भाई वाणी बहुत टफ पड़ रही है, मतलब कठिन पड़ रही है, समझ में नहीं आ रही है, क्या करे, पढ़ते तो बहुत है लेकिन कुछ याद नहीं रहता, और बोलने का हमारा तरीका भी नहीं है, ढंग भी नहीं है, हम सुनते तो बहुत लेकिन किसी को समझा नहीं पाते, किसी को ये वाणी का प्रचार प्रसार के माध्यम से हम संदेश नहीं दे पाते। तो हम भी ऐसे बोलते रहते हैं ना। यहाँ शेख इस्लाम काजी के पास जब कांजी भाई जाते तो क्या बोला शेख इस्लाम काजी ने, कि मेरा अकेले का काम नहीं है, अभी मैं कोई उत्तर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये क्यामत संबंधी दावा है, मैं कैसे इतना जल्दी से जवाब दूँ, ये तो पढ़ पढ़ के मैं थक गया, आजीज मतलब परेशान हो गया, फिर मैंने क्या किया, ये वाणी को एक कोने, वाणी को मतलब ये नलवे को एक कोने पर रख दिया। तो अभी थोड़े टाइम पहले एक सुंदर साथ मेरे को राजकोट में मिले, पता नहीं तभी उस दिन क्या मेरे लिए दुख रूप था, तो मैं ऐसे यहाँ से पास हो रही थी एक सोसाइटी से, तो मिले मेरे को और मेरे को वहाँ रोक लिया। फिर मैंने सोचा कोई राज्य की बात करने होगी, वैसे ही सुंदर साथ बुलाते हैं, तो मैं वहाँ जब गई तो सुंदर साथ ने बोला कि दीदी ये स्वरूप साहब ले जाइए ना, कोई राजपूत दरबार थे वो, तो बोले कि स्वरूप साहब जो हमारे घर में तारतम वाणी पधराई है, तो ये घर आपके घर पे ले जाइए, वहाँ विराजमान कर दीजिए राज्य का स्वरूप। तो मैंने बोला अरे सुंदर साथ तो घर पर राज्य की वाणी पधराते हैं और आप तो मेरे को बोल रहे हैं कि आप स्वरूप साहब अपने घर में ले जाइए, तो मैंने बोला कि क्यों आप ऐसे बोल रहे हो, तो बोले कि दीदी मेरे से सेवा नहीं हो पा रही है, ये वाणी बहुत कठिन पड़ती है, हम समझ नहीं पा रहे कि क्या चौपाई का भाव है, क्या राज्जी कहना चाहते हैं, राज्जी कौन है, ये प्राणनाथ कौन है। तो मैंने बोला आपने तारतम लिया कितने साल हुए, तो उसने बोला कि मैंने जामनगर महाराज जी से तारतम लिया इतने साल हो गए, ऐसा बोला। तो मैंने बोला आपसे पहले क्या वाणी घर में थी, तो बोले हाँ हमारे पूर्वजों ने घर में पधरा के रखी थी, लेकिन बाद में जब हमारी पीढ़ी चली तो हमको ये वाणी समझ में ही नहीं आ रही थी, पूर्वजों ने भी सिर्फ तारतम ले लिया था, कंठी धारण कर ली थी और चन्नामृत प्रसाद का सिर्फ
बस परंपरा में सिखाया था, कभी भी वाणी खोली ही नहीं। दीदी हमने खोली भी नहीं है कभी भी वाणी, और हम तो थक हार गए, मतलब ये कौन है शेख इस्लाम। तो बोले कि दीदी आप ले जाइए, ऐसे घर में पड़े पड़े जर्जर हो जाएंगे, ये राज्जी की वाणी है। तो मेरे को इतना दुख हुआ सुंदरसा जी, उस दिन पता नहीं शाम तक इतनी पीड़ा रही मेरे दिल में कि अरे इस धनी के लिए, इस संसार में अक्षरातीत के लिए, इन वाणी के कारणे कहीं देह दमे, इन वाणी के कारणे कोई तपसन करे, इन वाणी के कारणे कोई भैरव जाप खाए, इन वाणी के कारणे कोई पंच अग्नि में तपे, कोई अगिन पिए, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ना जानी, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी। सुंदरसा जी ऐसे बड़े बड़े अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर, कई महापुरुष, तपस्वी, कई लोग आए। इस प्रकरण में तो और आगे बताया है कि ब्रज सुंदरी के बिना कोई इस रस को नहीं पी पाए। तो ब्रज सुंदरी कौन थी? हम तो थे। इस रस के लिए किस कौन कौन महापुरुषों ने, कौन कौन अवतारों ने क्या क्या साधना की, क्या क्या कैसे कैसे इंद्रियों को तपाया, कितना कष्ट दिया, लेकिन 14 तबक की दुनी में किन कहिया न एक हरफ, सो हरफ कैसे कहवी पाई न बक्का तरफ। ये 14 तबक की पूरी दुनिया में, संसार में कोई एक हरफ मतलब एक शब्द भाई परमधाम की दिशा की ओर कोई संकेत नहीं कर पाए, ये वाणी आज पूरे संसार में मीडियो के माध्यम से या कोई प्रोग्राम कार्यक्रम के माध्यम से आज सुंदरसा जी पूरे खुले पंडाल या शहरी गली या कोई सोसाइटी या नगरों में, ग्रामों में ये जाहिर हो रही है, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। तो यहाँ शेख इस्लाम काजी की चर्चा चल रही थी, उसने बोला कि मैं पढ़ पढ़ कर आज इस परेशान हो गया, मेरे को मैंने एक कोने में रख दिया। तो सुंदर साथ ने भी बोला कि मंदिर में ऐसे वाणी हमारी परंपरा दो पीढ़ी से पड़ी है, आप लेके जाइए। मेरे को बहुत दुख हुआ। पता नहीं अभी थोड़े दिन पहले भी एक सुंदर साथ ने बोला कि वाणी दीदी आप अपने घर में पधरा दीजिए। मैंने बोला कि सुंदर साथ जी आप अपने घर में कोई सेवा पूजा, शायद आप तो बड़े हो गए, बस बाघा बदल लो 5 मिनट में, थोड़ा कुछ आरती 2 मिनट या बस एक भोग कुछ भी हो, दिल का भोग लगा लो, या अपना सब कुछ तन मन से जो न्योछावर करके आरती उतार लो, क्या जरूरत है। आप जहीं कहीं भी हो यात्रा में या कोई भी स्थान में, आप वहाँ भाव से बस भोग लगा लो, घर में राज्जी को रखो। तो बोले दीदी हम फोटो की सेवा कर लेंगे, कोई मूर्ति की सेवा कर लेंगे। तो मेरे को बहुत दुख होता है मैं जब ये गुजरात में सुनती हूँ और स्थानों में भी सुनती हो कि घर में फोटो है, और देवचंद्र जी प्राणनाथ जी की जो राजा वाली मुच्छों वाली राजा की, तो बोले कि फोटो की तो पूजा करते, क्योंकि राज्य का स्वरूप साहब घर में आएगा तो हमारे से सेवा नहीं बनेगी, फिर हम पाप में पड़ेंगे, हमको गुनाह लगेगा, हमको सजा मिलेगी। मैंने बोला कि ये कोई देवी देवता थोड़ी है कि हमको सजा देंगे, राज्य तो प्रेम के स्वरूप है, राज्य तो आनंद के स्वरूप है, ये हमारे बिना एक पल नहीं रह सकते, हमारे
प्राण नली से भी न दिखे, नूर जमाल कहे कुरान में, मुहे एक बार करो साद तो दस बेर जी जी करो कर कर तुमको याद। हम एक बार राज्य को बुलाते ने, राज्य कितनी बार हमारी ओर देखते हैं? दस बार। ऐसे प्रेम के सागर, ऐसे आनंद के सागर। राज्य कहते कि दुख न दऊ फुल पाखड़ी, क्या ये राज्य दुख देंगे हमको? तो मैं कई बातों से समझाती हूँ सुंदर साथ को कि आपको सेवा भी नहीं करनी है, आप जब भी समय मिले ना तब आप खोलकर बस सिर्फ 5 चौपाई पढ़ लीजिए। आप पूरा दिन संसार का काम करिए, पूरा दिन संसार की माया में लिप्त रहिए, लेकिन सुबह तो एक बार राज्य की दृष्टि आप पर पड़े, एक बार तो उसकी नूरी नजर आप पर पड़ जाए कि आपका पूरा दिन मंगलमय, आपका पूरा दिन अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम, तो पूरा दिन अशुभ जो होने वाला था वो मंगलमय हो जाए। तो ये कोई शेख इस्लाम काजी की बात नहीं, हमारी बात है। फिर चौथा नलवा अकील खान ने तो लिया ही नहीं था, और रजवी खान दीवान ने भी ये बोला कि तुम सबका जवाब लेके आओ, हम सब मिलकर ये काम करेंगे। और अंतिम ये रजवी खान ने क्या बोला, और कांजी भाई ने बोला कि रजवी खान दीवान आप ऐसा करो, मैं आपके लिए ये खुशी का संदेश लेके आया हूँ, पत्र के माध्यम से खुशखबरी लेके आया हूँ, आपके लिए ये ईद का दिन है, ये खुशी का दिन है, आप मनाइए। आपके दिल में ये पढ़कर आपके दिल में भी एक आनंद की लहर उठे, खुशी की लहर उठे, आपके दिल में आप खुशी मनाइए। तब रजवी खान ने क्या बोला कि क्या खुशी मनाओ, आप तो आज ही क्यामत की मरने की बात लेके आए हो। सुंदरसा जी, ये मुस्लिम लोग जाहिरी मायना लेते थे, मतलब जाहिरी बात को समझते थे, तो क्या उसने बोला कि भाई क्यामत मतलब प्रलय होना, हमारे लिए मर जाना, ऐसे नहीं। हमारी आत्मा की जागृति, हमारे अंदर जो मन की इच्छाएं हैं, तृष्णाएँ है, वासनाएँ है, ये संसार की ओर की पूर्णतया नाश हो जाए, मर जाए, बस इतनी भी एक सूक्ष्म अस्मिता का बुंद भी ना बचे, उसको कहते हैं क्यामत, आत्मा की जागृति। तो यहाँ जब उसने ये बोला कि अब हमारी बीवी बच्चे के साथ का सांसारिक कई ख्वाहिश है, इच्छाएँ अभी पूर्ण नहीं हुई है, क्या मैं खुशी मनाऊँ, तब जाके कांजी भाई ने बोला कि भाई आप दो बात तो लिख दीजिए। तब उसने क्या बोला कि भाई हम पांचों मिलके एक साथ एकत्रित हो गए तब आपका जवाब देंगे, ये हमारा अकेले का काम नहीं है, ये तो क्यामत संबंधी बात है, ये तो 7 निशान जाहिर होने की बात है, ये इमाम मेहंदी प्रकट होने की बात है, मैं अकेले कैसे इस जवाब को दूँ। तो यहाँ कांजी भाई अंतिम सुंदर साजी इस प्रकरण को पूरा करते हुए बताया कि ये बड़ा ये बात पाचन की नहीं अकेले मेरा काम, ये बड़ा मुकदमा काम दिन इस्लाम, इन भात आजी जोए के आया पास श्री राज। यहाँ कांजी भाई दुखी होकर द्रवित हृदय से कहाँ किसके पास आए, श्री जी के पास। क्या बोला कि श्री जी किसी ने नलुआ स्वीकार नहीं किया, तो आज वर्तमान परिस्थिति हमारे समाज की भी वैसी कुछ है कि भाई जागनी के प्रचार के लिए निकलते हैं हमारे सुंदर साथ अलग अलग इलाके में, अलग अलग स्थान में, अलग अलग प्रांत में, तो आज समाज की परिस्थिति को देखकर मेरे को दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग आज जागने के कार्य को रोक रहे, प्रचार प्रसार के काम को रोक रहे, क्या कह रहे हैं कि भाई इस इलाके में हमारे महाराज का स्थान है, इस इलाके में हमारा
ये अंदर में हमारी पूरी ये इलाके की जो है सेवा ही हमारी है, आप यहाँ कोई प्रोग्राम या कार्यक्रम नहीं कर पाओगे। तो हमारे सुंदर साथ बेचारे साहित्य को लेकर वहाँ प्रचार प्रसार के माध्यम से बटे जाए और सब सुंदर साथ के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, ऐसी भावना को लेकर तो जाते हैं, पर फिर दुखी हृदय से, द्रवित हृदय से फिर वापस लौटते हैं। पता नहीं, तभी तो एक ही औरंगजेब बादशाह था अपने देश पर शासन करने वाला, आज तो हमारे समाज में एक एक इलाके में एक एक शासन करने वाला, ये अध्यात्म का शासन करने वाले एक एक इलाके में एक एक स्थान पर बादशाह बन के बैठा है कि पता नहीं उन लोगों को ये राज्य का डर भी नहीं है कि भाई सातवें दिन में हमारा क्या न्याय होगा। इसलिए तो राज जी ने बताया, साथ जी ये हांसी का है ठोर, साथ जी ये हांसी का है ठोर, आप वतन तुम जिन भूलो, आप वतन तुम जिन भूलो, कहाँ देखत हो और साथ जी ये हांसी का है ठोर, साथ जी ये हांसी का है ठोर। राज जी ने क्या बताया कि सुंदर साथ जी ये हांसी का ठिकाना है, हांसी बिना कोई न बचिया या यार या सिरदार, चाहे यार हो या कोई एक जुथ की लीडर या कोई नेतृत्व करने वाली व्यक्ति भी, हांसी के बिना यहां से सुंदर साथ जी कोई नहीं बचेगा, सबकी हांसी होगी। और राज जी ने बताया ये हांसी तो सोहेली लेकिन वो हांसी सही ना जाए, यहाँ सबकी हांसी हो रही, कोई कोई रूप में सबकी हांसी हो रही है। राजी ने क्या बताया कि सुंदर साथ जी ये संसार के आप जितने भी काम करो, राज्य की वाणी को छोड़कर, ज्ञान के प्रचार प्रसार को छोड़कर, ध्यान को छोड़कर, ये चितवनी को छोड़कर, सुंदर साथ की सेवा को छोड़कर, आप संसार के जितने भी काम कर रहे हो ने, जितने भी काम कर रहे हो ने, वो काम कैसा है, ये नश्वर है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ आपको कि सब काम छोड़ के आप रात दिन मंदिर में या कोई स्थान में या पुरी में बैठे रहो, मेरा कहने का भाव क्या है कि पूरा दिन आप संसार की ओर लगे रहते हो लेकिन अपना खोके नहीं, पहले अपना खुद का आत्म कल्याण के लिए पहले सोचो, बाद में पूरा दिन संसार के काम करते रहो। लेकिन संसार का भी काम कैसे, त्याग की भावना से कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, बस धनी तेरी कृपा से बस थोड़े दिन के लिए मेरे को यहाँ बस मिला है, फिर उसी मिलने वाली चीज का मैं थोड़े दिन इस्तेमाल करके फिर वापस यहाँ से जब जाऊँगी तो ये सब चीज़ मेरी थी ही नहीं, मैं साथ में लेके भी नहीं आई थी, तो लेके क्या जाऊँगी, ये सब छोड़ के जाना है, मेरा तो सिर्फ एक आत्मा जो अंदर है वो धनी की है, बस उसी के साथ बस मेरा ये अखंड सुख है। और राज जी का इति ही बैठे जो दीदार करना है और दीदार करके ये सुख को लेके वापस लौटना है। और आगे यहाँ अंतिम चौपाई में बताया कि महामति कहे सुनो मोमिनो, ये नलुवे की बीतक अब कहो आगे प्रयान की, कहो सो हकीकत। सुंदर साथ जी तुमने नलुवे की बीतक सुनी पत्र के माध्यम से, उसी के साथ साथ हमारे वर्तमान में सुंदर साथ की भी बीतक घटना को सुना और आगे मंत्रणा मतलब सुंदर साथ
और श्री जी के बीच में आपस में क्या विचार विमर्श हो गए, ये जागनी के संबंध में औरंगजेब बादशाह तक कैसे संदेश पहुंचाया जाए, ये इस प्रसंग में बताया कि हमारे मोमिन क्या क्या प्रयास करते हैं। यहाँ पहले रामचंद्र वकील के वहाँ जाते हैं कि वहाँ जाके दो तीन दिन चर्चा सुनाते हैं। हम भी ऐसे ही कहीं प्रचार प्रसार के निकलते तो कोई कोई सुंदर साथ को दो तीन दिन का वहाँ कार्यक्रम लगाते, कोई घर पे कार्यक्रम में सुनाते चर्चा, दो तीन दिन तो उसी के अंदर वैराग्य बना रहता, फिर क्या हो जाता? क्या ये रामचंद्र वकील की कहानी है? ये हमारी है। यहाँ ये बताया दो तीन दिन तो चर्चा सुनी, फिर अंदर का समाप्त। फिर आगे उद्धव दास गोड़िया जो गंगाराम का बड़ा भाई था, वहाँ भी चर्चा सुनाई, थोड़े दिन तो मीठी लगी, फिर वो माया में लिप्त हो गया। ऐसा तो हमारा है, हम पाँच दिन भंडारे कार्यक्रम में आते हैं तब तो इतना वैराग्य आ जाता है कि संसार तो कुछ है ही नहीं, फिर घर पर जाके फिर वही माया, फिर वही लिप्त, बस फिर संसार में जाके तो ऐसा ही लगता है कि वही सब कुछ है, बच्चे परिवार रिश्ते सगे संबंधी। ये माया कैसी मतलब एक अट्रैक्शन आकर्षण करने वाली है। राज जी ने उसका 13 हथियार बताया है रास के पहले प्रकरण में, उसके आहुत अमरुद, ध्यान से सुनिए, उसके आहुत अमरुद रूप रस छल बल वल अकल कुटिल कोमल चंचल चतुर और चपल। पता नहीं कब क्या रूप लेके अंदर प्रवेश कर जाती, करे कई बार बच्चे के रूप में कोमल कोमल माया ऐसे ही हमने हमको खींच लेती, ये पता नहीं राज जी का सुबह शाम ध्यान चितवनी भी छूट जाता। बोलिए श्री प्राणनाथ, सुंदर सा जी सही में ऐसा हो रहा है, हमारा हो रहा है घर पे, जो मैं बोल रही हूँ आपको सही में ये वास्तविक घटना लग रही है भैया? लगती है ना? देखो यहाँ चटाई पर, कल भी हमने प्रसंग सुना था गोवर्धन भाई और लालदासी वाला के, चटाई पर बैठते ना तब तक तो मन हमारा यहाँ रहता, जैसे यहाँ से उठे पंडाल से बाहर गए तब तो कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ, एक क्षण में गोकुल मथुरा की यात्रा करके आ जाता, एक क्षण में अमेरिका की यात्रा करके आ जाता, और पता नहीं घर में क्या क्या चीज़ें छूटी है, क्या क्या काम छोड़ के आए, यहाँ बैठे तो यहाँ है लेकिन मन कहाँ चला जाता और वैराग्य भी पूरा सीधा समाप्त हो जाता। पांच दिन यहाँ तो इतना अंदर आनंद, इतनी लहरें उठेगी, फिर पता नहीं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जहाँ आपका मन है ना वहाँ बैठे हो, जहाँ बैठे हो वहाँ मन नहीं है, जहाँ मन है वहाँ आप हो। समझ में आया? जहाँ मन है वहाँ आप हो, जहाँ हो वहाँ मन नहीं है। तो यहाँ ये उद्धव दास गोड़िया के प्रसंग से क्या बताया राज जी ने कि सुंदर साथ जी हम भी यहाँ से जाएंगे। मैं दो दिन पहले भी सुंदर साथ को बोल रही थी कि राज जी तू किस जंगल गुमराह से निकाल कर कैसी फुलबाग नूरबाग की तो सुगंध यहाँ मेरे को दिला रहा है, और मैं ये भी अंदर सोच रही थी कि धामधनी यहाँ जरूखे में बैठकर कैसे बारीक बारीक बूंदे जैसे रंग माहौल के पिछले जरूखे में पश्चिम की ओर या इधर की बटपीपल की चौकी की ओर या उत्तर की लाल चबूतरा की ओर या पूर्व के सात वन की ओर जब हम बैठते थे जरूखे में, पूर्व के जो 1500 जरूखे बने हैं सुंदरसा जी, जो मंदिर हमारे बने हैं, तो वहाँ कैसी सुगंध लेते थे, ये वायु के साथ कैसी सुगंध और वहाँ की लहरें जो उठती थी प्रेम की आनंद की। तो मैं कल सोच रही थी कि राज जी फिर संसार की ओर किस कैसे माया में हम लिप्त हो जाएंगे, और इतना नहीं और भी मैं सोच रही थी कि राज जी तू कैसा छलिया कैसा नटखट है कि एक बार तेरे को काम लेना होता तो एक झटके ही निकाल के कितनी दिन सुख दे देता, फिर एक झटके फिर पता नहीं माया कैसे ही पकड़ लेती, कैसे बंधन में बांध देती। तो कल भी मैं इस बात पर चिंतन कर रही थी कि सुंदरसा जी माया ऐसी है, पता नहीं कई बार एक साथ
ऐसी आनंद की लहरें उठा देगी, पता नहीं कई बार एक क्षण में गिरा देगी, और इतना हथियार लेके माया बैठी, और आगे आएगी पांच फौज छोड़ेंगे, ये भी माया की फौज है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ मैं बताऊँ तो सोहेली थई तम थकी, एने कोई ओलखतू नथी, सुख देवे तो कैंक कथी, लेकिन बीजे दूसरा रहिया मथी मथी। ये तो धाम धनी की हमारे पर कृपा हुई, असीम मेहर हुई कि माया हमसे हल्की हो गई। और एक जबरराज जी ये भी बताते हैं, ये माया को हल्की मत गिनो, ये माया ने किसी को नहीं छोड़ा है, सुख सनकादि को नहीं छोड़ा है। और ऐसे बहुत से इसमें नाम है कि परीक्षा क्या सुखदेव को नहीं, सनकादि को नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं, ये ऊपर हवे सु कहो। और आगे सुंदरसा जी प्रसंग में हम और बढ़े तो एक सन्यासिनी जब श्री जी जमुना जी के किनार पर बैठे हैं, तब एक सन्यासिनी आके श्री जी का दर्शन करती है, फिर वहाँ से वो निकल जाती है। और आगे राज जी बताते कि जो नलुआ कांजी भाई के माध्यम से दिया था, उसका 2 मास पूरा हुआ, तब तक मोमिन इंतजार में रहे, लेकिन नलुवे का कोई जवाब ही नहीं आया, नलुवे का कोई जवाब ही नहीं आया। मैं आज आपको एक संदेश देना चाहती हूँ यहाँ से कि सुंदर साथ जी, राज जी तो 400 साल से इंतजार कर रहे हैं, इस नलुवे पहुँचा दिया ना हमारे पास कि जवाब दीजिए, आपने कितना आत्मसात किया, ये नलवा कोई 5 औरंगजेब बादशाह के अधिकारी को नहीं दिया है, मैंने पूरे समाज को, ये पूरा 18,758 चौपाई वाला इतना बड़ा प्रेम पत्र दे दिया। ये तो सिर्फ एक नलवे एक पत्र में लिखी हुई बात थी, आज तो धाम धनी ने 18,758 चौपाई के रूप में कितना बड़ा हमारा घर का, हमारी बातें, पूरा इलम का सागर दे दिया हमारे लिए। तो राज जी आज 400 साल से गुम्मट जी में झूले पर नूरी स्वरूप से विराजमान होकर महामती के धाम दिल में माँ तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सब दिलों में बैठकर अंदर से वही तो राम है कि जल्दी से ये खेल को खत्म करो, जल्दी से ये माया को अपने अंदर से इच्छा को पूर्ण करो और मेरे साथ चलो, मैं कहाँ तक आपका इंतजार करूँ। सुंदरसा जी, यहाँ का कोई हमारा नदी का संबंधी या रिश्तेदार हमको बुलाने के, ध्यान से सुनिए, बुलाने के लिए आता ना, एक बार आए, ध्यान से, दोबारा आए, तीसरी बात तो उग्र हो जाएंगे। अरे भाई, बार बार बुलाने के लिए आया, तुम अभी चलने के लिए तैयार नहीं हो रहे, चलो मैं तो आपको छोड़कर जा रहा हूं, उग्र हो जाते ने तीसरी बार, तो दो बार तो भी शांति से तो जवाब नहीं देंगे, चलिए ऐसे बोलेंगे। धनी चौथी बार आए, इतना नहीं, 5वीं बार आए। राज जी ने इसी माध्यम से क्या बताया धाम धनी ने कि सुंदर साथ जी, मैं तुम्हारा इंतजार आज 400 साल से कर रहा हूं, तुम जवाब दीजिए। मैंने अभी बोला कि भाई दो बार बुलाने के लिए आए, तीन बार आए, चौथी बार तो कोई आता ही नहीं, शायद इतना धैर्य रखा हो आ जाए। यहां तो राज जी 5 बार हमको खेल देखावन काज, हमको खेल देखावन काज, हमसे आगो आए श्रीराज, हमसे आगो आए श्रीराज। श्री धन जी के लागू पाए, क्या बताया, हमको खेल देखावन काज, हमसे आगू आए श्री राज। तो 5-5 बार धनी, और कितना धैर्य रख के बैठे, हम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, अभी यहाँ अच्छा लगने लगा,
या हम बस सेटिंग यहाँ हो गया हमारा। देखो यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है इसलिए तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। कैसा हमारा घर सुंदर है। मैं आज और लीला में ले जाना चाहती थी लेकिन समय साथ नहीं दे रहा है। हम अष्टपौर की लीला में जो जो लीलाएं धाम धनी के हुक्म से प्रेरणा से बताते जाएंगे तब उस प्रसंग के माध्यम से हम लेंगे, उस प्रसंग में हम आगे बढ़े। तो यहाँ फिर श्री जी ने सोचा कि दो मास तक तो राह देखी कि वो नलुए का कोई जवाब दे, वहां से कोई उत्तर मिला नहीं। फिर एकांत में बैठ के सुंदर साथ आपस में विचार विमर्श किए कि श्री जी ये क्यामत संबंधी, ये इमाम मेहंदी संबंधी जो संदेश देना है औरंगजेब बादशाह को, तो चलो कैसे किया जाए। और वहाँ सुंदर साथ जी इसी समय वहाँ दिल्ली के प्रॉपर सुंदर साथ भी थे और बाहर के भी और भी सुंदर साथ आए थे। तो यहाँ भी हम प्रोग्राम कोई बड़ा करने के लिए ले जाते हैं कार्यक्रम के लिए तब एक मीटिंग रखते ने, इससे पहले एक दो मीटिंग रखते, मीटिंग में सबके विचार रखते कि भाई आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है। सुंदर साह जी अभी तक में हर प्रसंग में आपको बस कोई ना कोई रूप में समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि ये कोई घटना घटित नहीं हो गई है पास्ट में, भूतकाल में, अभी ये घटना भविष्य में बस घट रही है, एक एक कदम पर ये अभी तक घट रही है। तब सबके विचार रखे जाते, चाहे ट्रस्ट में जो भी चेयरमैन हो या उस ट्रस्ट के जो भी और सुंदर साथ हो, तो सबकी राय रखी जाती है कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, कितने दिन का रखना है, किस किस विषय पर चर्चा रहेगी, कैसे सुविधा निश्चित की जाएगी, क्या क्या तैयारियां होगी, क्या रसोई घर में होगा। तो एक संदेश देने के लिए तो ये तैयारियाँ हो रही है। सबके मूल में क्या है, ये वाणी का संदेश देना, ये वाणी का संदेश देना कि ये संदेश संसार में जन जन तक पहुंचे। तो यहां भी श्री जी का एक ही बस उद्देश्य है मोमिनों को ये प्रकरण के माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से राजी क्या समझाना चाहते कि उसी समय जैसे सुंदर साथ की एक मसलत हुई, बैठक हुई और श्री जी ने क्या विचार रखे। तब बाहर से सुंदर साथ आए थे, श्री जी ने कहाँ से बातचीत शुरू की कि हे सुंदर साथ जी जो बाहर से आए दिल्ली से, तुम सब अपने अपने विचार रखिए, आप संकोच मत करिए, इतना नहीं राज्य के आप पर पल पल मेहर है, नजर से नकाड़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। और कहाँ से, ब्रज से लेकर अब तक, बाले से बुढ़ापे तक, रज से लेकर सात में दिन तक हमारे पर राज्य की पल पल मेहर बरस रही है। तो यहाँ श्री जी ने बताया कि तुमको इश्क रबद, ध्यान से सुनिए, ये हमारी तो बात है कि तुमको इश्क रबद जब मूल मिलाव में हुआ तब जो बल्ले बोला हमने, राज्य ने बोला कि क्या मैं तुम्हारा खाविंद नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं। तब हमने क्या बोला था के बल्ले, चौकस अवश्य तुम हमारे खाविंद हो, स्वामी हो, धनी हो, हम आपको नहीं भूलेंगे। ये शब्द अभी मूल मिलावे में गूंज रहे हैं, ये आवाज अभी मूल मिलावे में गूंज रही है। श्री जी ने यह बैठक में वहां से शुरू किया, क्यों शुरू किया, मेरे को अभी अभी एक प्रश्न खड़ा हुआ दिल में। राज्य देखो वो बात से याद दिला रहे कि सुंदर साह जी तुम तो परम धाम में बैठे हो, आप उस दिल को याद कीजिए, किस दिल को, परातम वाले दिल को याद कीजिए। इसलिए तो राज्य ने वाणी में बोला कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, क्या बोला वाणी में, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। यहाँ सुंदर साथ तो एकत्रित हुए हैं, यहाँ भी हुए हैं, कितने दिलों की, इतने दिल बैठे हैं यहाँ,
सब दिलों के अंदर कितनी पवित्रता है, कितनी निर्मलता है, ये राज्य जानने के लिए तभी बैठे थे और आज भी बैठे हैं। राज्य कहीं नहीं गए, तुम बाहरी जितना भी दिखावा कर लो, बाहरी जितने भी बंदगी कर लो, राज्य तन की, मन की और दिल की सब चोरी को जानते हैं। या यही तो पूछ रहे, तभी 400 साल पहले पूछ, आज मैं लो मान लो मेरे को आपको डांटना है तो मैं सीधी आपको थोड़ी डांटूंगी, ये बच्चे को माध्यम बनाकर तो आपको डांटूंगी, सीधी थोड़ी डांटूंगी मैं आपको। राज्य ने क्या लीला की हमारे लिए, ये मैं नाटक नहीं कह सकती, राज्य की लीला है, ये चमत्कार भी नहीं कह, कुछ नहीं बोल सकती, बस मैं इतना कहूंगी कि राज्य की लीला है बस इस संसार में। श्री जी ने बोला कि वो समय को याद करो, वहां जो तुम बैठे हो अभी वहां से आए नहीं हो, वहां पल भी नहीं हुई है, वही क्षण में आपको जागृत होना है। इतना नहीं, उसी के बाद तुम ब्रज में गए, देखो वहां से शुरू की इस प्रसंग में, उसी के बाद रास में गए, तीसरे दिन जागनी ब्रह्मांड में आए, फिर चौथे दिन सदगुरुधनी देवचंद्र जी के साथ तुम आए तो फिर तुम्हारी लीला शुरू हुई। पांचवें दिन की लीला भी 74 साल की रही, तभी भी तुम साथ में रहे। बहुत सी श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनी, क्या हमने कम सुनी है भंडारे में? सरकार श्री के टाइम से ले लो, बड़े महाराज जी के टाइम से ले लो, अभी पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से, क्या स्वामी जी ने भी कोई कहने में कमी छोड़ी? क्या इससे पहले सरकार श्री में कोई बात राज्य की जो भी गहराई वाली कोई भी चर्चा में क्या कमी छोड़ी? सुंदर साथ जी, आज देरी हमारी ओर से है, और राज्य ने आगे श्री जी ने क्या बताया कि सुंदर साथ जी तुम सावचेत हो जाइए, और इतना भी नहीं, ये मोहम्मद साहेब आए हैं और तुम्हारे लिए ये कुरान हदीसों में साक्षी लेकर आए हैं। मूल मिलावे से लेकर चौथे दिन में सतगुरु धनी देवचंद्र जी पहले क्या क्या हमारे लिए संदेश आए, संकेत आए, ये भी धनी याद दिला रहे हैं। इतना नहीं, इस कुरान हदीसों में तुम्हारी भी साक्षी आए, और आज हम तीन दिन से सुनते रहे और अभी भी आगे सुनेंगे। इतना नहीं, और आगे भी बोला, हे सुंदर साथ जी, ये संदेश देने में आपको मुसलमान से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये तो जाहिरी मुसलमान है। आज मैं जब ये पढ़ रही थी ना कमरे में, तो क्या विचार आया पता है? मैं ज़्यादा ओपन तो नहीं करूँगी, मेरे दिल में जो विचार आया है शायद झगड़ा मच जाए, वास्तविकता यही है। मेरे को पता नहीं झपकी लगी, और ऐसे ही पता नहीं राज्य ने क्या मेरे अंदर ऐसे एक प्रेरणा दे दी, थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए, ठीक है, मैं ओपन पूरी नहीं बोल पाऊंगी, एक मंच की मर्यादा है। बात तो सही है, लेकिन समाज सत्य स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, पत्थर भी उठाते, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे को पता है मरूंगी तो धाम में जगूंगी, मरने के मेरे को डर नहीं है, लेकिन बस जितना काम शांति से हो, धैर्य से हो, तो क्या झगड़ा करें, बस हम एक दिली के स्वरूप है। मेरे को विचार आया आज कमरे में कि ये जो बताया ने कि मुसलमानों का कोई डर ही नहीं है, सुंदर सा जी, जाहिरी मुसलमानों की बात नहीं है यहाँ, जो आज मुसल ईमान, दृढ़ ईमान, ठीक है, आज हमने हमारे समाज में कितने लोगों ने जो वाणी पर रोक लगा रहे, प्रचार प्रसार में रोक लगा रहे, दावा तो उसने भी ले लिया है कि हम परम धाम के ब्रह्म सृष्टि है, हम प्रणामी रे परम धाम के, ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, दावा तो हमने भी लिया, उसने भी लिया, और हमारे 40 लाख सुंदर साथी इस प्रणामी समाज में है, इतने लोगों ने ले लिया है तारतम लेखित के हम प्रणामी है परम धाम पहुँच जाएंगे। मुसल ईमान मतलब मुसलमान, हम मुसलमान हैं, हम पवित्र हैं, लेकिन यहाँ क्या बताया कि ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। इसी बात पर मैं आगे बढ़ूँ तो मेरे को एक विचार आया कि दावा लेने के बाद जो परम धाम की सच्ची राह पर नहीं चले,
इस वाणी की गहराइयों में नहीं डूबे, विरह में डूबकर प्रेम की राह पर चलकर ध्यान में नहीं डूबे। ऐसे समाज जो भी आज वाणी पर रोक लगा रहे, आज प्रचार में रोक लगा रहे, इस सुंदर साथ से हम क्यों डरे? उसी के पास कोई नूर है ही नहीं, कोई बल है ही नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मैंने थोड़ी मर्यादा में रखी, मरम में रखी है कि सुंदर साथ जी हम क्यों डरे। ये राज जी ने बताया, मैंने बताया, जो सुंदर साथ आज सुन रहे हो, कल वीडियो के माध्यम से जितने भी सुंदर साथ सुन रहे, मेरा आज एक दिल की पुकार समझो, एक आह्वान समझो कि सुंदर साथ जी आप अभी तक के 42वें प्रकरण में खोल कर देख लीजिए। ये धाम धनी ने लिखा है, ये लालदासी के अंदर बैठकर महामती ने लिखा है। जो आपको उस बात का जवाब चाहिए तो अभी तक खोल कर ले लीजिए और लालदासी को आप दोष दे दीजिए, मेरे को क्यों दे रहे हो? क्योंकि हम क्यों डरे, यही बताया धाम ने। और क्या बताया? कि मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और कदाच आपको डर है कि वो मारेंगे, झगड़ा करेंगे, होता है ना समाज में, ठीक है? तो बताया कि हम शायद कदाच मर जाएंगे तो भी जगेंगे तो कहां जगेंगे? हमारा मूल तन कहां बैठा है? परातम तन धाम में, मूल मिलावे में, ठीक है? तो हम मूल मिलावे में जगेंगे। ये तो झूठा वजूद है, ये तो झूठा तन, ये तो हमारा है ही नहीं। एक दिन पंचमहाभूत का तन है, ये तो यहाँ विलीन हो जाने वाला है। यहाँ राज जी ने क्या बताया कि पहले आप हुए मुर्दे, सब दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, पहुंच नूर के पार। तो संसार में जब संदेश देने के लिए आप जाओगे ने, तो पहले आपको मरना पड़ेगा। पहले आप हुए मुर्दे, और मर मर सब कोई जात है, लेकिन मोमिन मौत फरक। राज जी ने क्या बताया कि संसार में तो बहुत लोग कुर्बानी देंगे, ये हम आगे समझेंगे। मैं जाहिरी मरने की बात नहीं कर रही हूं। मैं क्या, मैं बस धर्म के नाम पर, ये संदेश देने के नाम पर, ये वाणी के फैलाव के लिए, वाणी के प्रचार प्रसार के लिए। मोमिन नहीं मरेंगे तो क्या मरेंगे मुनाफक? क्या बताया? जो ना मरे मोमिन तो क्या मरे मुनाफक? क्या अज्ञानी लोग मरेंगे? कौन मरेंगे संदेश देने के लिए? हम ही तो मरेंगे। और आगे धामधनी ने क्या बताया कि हे सुंदर साथ जी, इतना नहीं, चौपाई के माध्यम से कि ये हम धाम में जागेंगे, इतना नहीं, आपके दिल में जो भी विचार हो, यहाँ तक को राज जी ने बोल दिया, आगे बताया आप दिल में जो भी विचार हो मेरे सामने अवश्य रख सकते हो, आप सब शांति से रख सकते हो, इसमें कोई शंका के स्थान नहीं है, उसी के बराबरी का आगे काम बढ़ेंगे। इतना नहीं, और भी आगे श्री जी ने बोला कि हे सुंदर साथ जी, राज जी के आदेश से हम जागनी कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ क्या बताया कि तुम अपनी खुद ही मत लो कि ये मैं करता हूँ, ये मैंने किया, पहले भी मैंने किया था, बाद में भी मैं होगा अथवा मैं होगी तभी काम होगा। नहीं, हम पहले भी नहीं थे, बीच में भी नहीं है, और बाद में भी हम नहीं रहेंगे। सब कुछ राज जी करवा रहे हैं। कहलावत करावत तुम, राज जी ने इस चौपाई के माध्यम से क्या बताया कि तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम तो सिर्फ माध्यम बने हो, तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे सिर पर खड़े शोभान, ये सब कुछ लेकिन शोभा तुमको दे रहे हैं, शोभा तुमको दे रहे हैं, शक्ति तुमको दे रहे हैं, बल तुमको दे रहे हैं, लेकिन करवा कौन रहे? राज जी। बस ये पंच तत्व के पुतले को एक सिर्फ साधन के हिसाब से, साधन का एक माध्यम बनाया है, और राज जी अंदर बैठकर ये सब काम करवा रहे हैं। और ये मैं को
मारना पड़ेगा। संत सर जी इस चौपाई में बताया कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं इन वेद में को मारिए जो हुई विद इनसे। हमारे अंदर जो थोड़ी कुछ भी मैं हो, मैं खुद ही हो कि नहीं ये मैंने किया है, देखो ये जागनी का काम इतना मैंने कर लिया, इतना मैंने प्रचार कर दिया, इतनी मैंने सेवा कर ली, इतना मैंने ये खड़ा कर दिया, तो भूल जाओ हम है ही नहीं, पहले भी नहीं थे तो आज कैसे रहे। ये सपने का तन है, जागृत तो एक राज्जी है, जो जगे हुए हुए ही तो करवाएंगे। और राज्जी ने आगे क्या बताया, ये परम धाम की शाकुमार की आत्मा है। कौन? ये परम धाम की शाकुमार की आत्मा है। कौन? औरंगजेब बादशाह। तो उसके अंदर परम धाम की आत्मा हो तो ये हमारे पर थोड़ी हत्याचार करेगी, क्योंकि जो मूल मिलाव में जो शाकुमार का तन भी परात्म तन जहां बैठा है वहां तो पास में हमारा बैठा है, तो ये हमारा क्या बिगाड़ेगी, हमारे पर हत्याचार नहीं करेगी। आप डरिए मत, आप भी सुन लीजिए कि जो यहाँ से सुंदरसा जी ये प्रोग्राम के माध्यम से या कोई पण कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया जाए उसी का अनुसरण उसी का पालन हम सबको करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो यहाँ राज्य ने इस प्रकरण के माध्यम से हमको प्रबोधित किया और अंतिम चौपाई में बोला महामति कहे मोमिनो ए बीतक कही हम तुम, आगे जो मजकूर हुआ सो ये बतावे हम कि हे सुंदर साथ जी आपने जो क्यामत संबंधी सात निशान संबंधी संदेश देने में आपने कितना अथक प्रयास किया, तब औरंगजेब को संदेश देना था, आज सुंदर साथ जी हे बच्चों आज संदेश क्या देना है, ये तातम वाणी का संदेश पूरे संसार में फैलाना है। भारतीय जनों को लेकर भी बोला था कि हे देशवासियों हमारे सिर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या? ये देश के कोने कोने में शिक्षा फैलानी है, ज्ञान का संदेश देना है, क्योंकि ज्ञान के विचार अच्छे आएंगे तब तो एक लौकिक शिक्षा की ओर विचार अच्छे बनेंगे। इतना नहीं मैंने बच्चों ये भी बोला था कि रात दिन लगना पड़ेगा, अभी तो हमने 5% भी काम नहीं किया है, उसमें तो रात दिन लगने की सुबह हमने बात और पूज्य स्वामी जी और भैया ने भी बहुत गहराई से इस विषय को, और आज 15 अगस्त का जो दिन है तभी आज से सुंदरसा जी 75 साल पूर्व हमारे जो वीरों ने योद्धाओं ने जो शहीद हुए ये जवानों ने क्या देश के लिए कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी मैंने सुबह को बोला था कोई सरलता आसानी से नहीं मिली है, इस इतिहास में कितने वीरों का कितने योद्धाओं का रक्त बहा है, ये इतिहास पूरा इस गाथाओं से भरा हुआ है। तो आज हमको ऐसी कोई तलवारों से लड़ने की या कोई मान लो कि सुभाष चंद्र बोस लो, महात्मा गांधी लो या लाल बहादुर शास्त्री लो, भले जेल में रहे, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा, सुंदरसा जी उस शहीदों को देखकर उस महापुरुषों को देखकर उसमें से क्या संदेश लेना है। आज हमको कोई जेल में तो नहीं जाना है जाहिरी में, अने और हमारी गरिमा हमारी महानता तो इसमें है कि तप और त्याग पर जो जो आज इस संसार में महापुरुष हुए अपने तप त्याग के बल पर तो हुए हैं, तो तभी तो सब जेल में गए। आज जेल में जाने की बात नहीं है, आज सुंदरसा जी इस ज्ञान को कितनी टेक्नोलॉजी की सुविधा के साथ बस प्रचार प्रसार करना है। अध्यात्म की राह पर प्राणनाथ जी ने जो मार्ग बताया इस वाणी के सिद्धांतों के रूप में इसी राह पर चलकर सबको एक परमात्मा की पहचान करवानी है। तो आगे हमारे पास 15 मिनट है तो और हम आगे बढ़े। रुक्का का प्रसंग, यो करते संजा समय उठ आए अपने घर, फिर तहां रात को मिलके बैठे महजत मक्ति पगथी पर। इसी प्रकार सुंदर साथ जी जो दिल्ली में ये क्यामत संबंधी रुक्का संबंधी जो
ये संदेश का जो कार्य चल रहा है, तो शाम का समय हो गया। सब सुंदर साथ अपने निवास स्थान जहाँ रुके थे वहाँ आ गए। इसमें से कुछ सुंदर साथ फिर मस्जिद पर, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाके सनंद गाने लगे। और आगे दूसरी चौपाई में बताया कि इस सनंद वाणी कैसे गाते थे, ऐसे प्रेम के जोश में डूबकर, पूरे जोश में प्रेम भरे स्वरों में ऐसे सनंद की वाणी गाते थे कि आस पास और हमारे दुश्मन लोग खड़े थे, मुस्लिम लोग जो नमाज पढ़ने के लिए आए थे, उसका भी डर नहीं था। क्योंकि क्यों डर नहीं था, उसके अंदर राज्य का जोश था। तो वहाँ सनंद की वाणी भी इतनी जोश में गा रहे थे और वहाँ चर्चा भी कर रहे थे। तो राज्य ने इस प्रसंग के माध्यम से क्या बताया धामधनी ने कि सुंदर साथ जी, तुम भी राज्य का अंदर जोश लेकर, यह भी राज्य की कृपा से हमारे अंदर जोश आएगा। इतना नहीं, राज्य की शक्ति, राज्य का बल भी उसकी कृपा से आएगा और अंदर लेकर। और आगे भी बताया कि संसार के जीव तो ये तो माया के जीव है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, उसी से हम क्यों डरे, क्योंकि हमारे सिर पर तो राज्य है, हमारे दिल में धाम धनी की बैठक है, ये अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तो तुम क्यों डरे। बस कहीं भी जाके बस राज्य की चर्चा करो, एक परब्रह्म अक्षरातीत की सबको पहचान करवाओ। ये संसार के जीवों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, राज्य ने इस तीन चौपाइयों के माध्यम से बताया। और मैंने कल सनंद वाणी की चौपाइयां सुनाई थी आपको कि कई लाले लाल कहावते हो गए सब जरद, और कोई लाल नुवा बिना एक मोहम्मद, कहती हूँ उमत को सुन सी सब जहान, मकसूद तिनका होए सी। आखिर क्या बताया कि मकसूद तिनका होए सी, काम तो इसका बनेगा, भले मैं संसार के लिए संदेश फैला रही हूं लेकिन जो परम धाम की आत्मा होगी वही संदेश को स्वीकार करेगी। और काम तो उसका बनेगा जो इस सनंद की वाणी को आत्मसात करेंगे। और चौथी चौपाई में तभी वहां कौन खड़े थे, तो बताया कि नंदलाल घड़ियाल जी करके जो सुंदर साथ से रात को वहाँ घंटे बजाने की औरंगजेब बादशाह के दरबार में सेवा करते थे। वो इतना नहीं, रांची ने इस चौपाई के माध्यम से बताया कि अपने पूरे परिवार सहित उसने तारतम ले लिया था। तो एक एक प्रसंग क्या बता रहा है कि नंदलाल घड़ियाल जी ने जब श्री जी की वाणी सुनी, ईमान आया, फिर परिवार को भी समझाया और परिवार भी ईमान लाए और समर्पित हो गए। और आगे बताया कि एक राजाराम भाई का बेटा शिवराम भाई, वो भी ईमान लाया और राज्य की चर्चा सुनने लगे। इसके आगे दोनों भाई कौन कौन, नंदलाल घड़ियाची और अपने भाई, दोनों ने मिलकर क्या निश्चित किया कि चलो जो ये रुक्का तैयार हुआ है कल नलुए के माध्यम से पहुंचाया, आज दूसरा प्रयास है। एक प्रयास, वैसे तो हम आज दो तीन दिन से दिल्ली की चर्चा, औरंगजेब बादशाह को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ये प्रसंग को लेकर, तो अलग अलग प्रयास को हम देख रहे हैं। आज भी और एक अलग प्रयास किया जा रहा है। क्या प्रयास है, क्या प्रयास है कि अब गुसल खाने पर ये रुका चिपकाया जाए, लगाया जाए। तो वहाँ जब नमाज पढ़ने के लिए जो मुस्लिम लोग आएंगे और वहाँ चर्चा होगी, बादशाह सुन लेंगे और बादशाह तक
नहीं, वो लोग सुन लेंगे और बादशाह तक ये संदेश पहुंच जाएगा। देखो राज जी कैसे कैसे लीला करके कैसे कैसे प्रयास करवाते हैं सुंदर सात के माध्यम से। तो आज धाम धनी क्या हमारे समाज में भी अलग अलग कार्यक्रम के अलग अलग प्रसंग के माध्यम से क्या हमको समझाने का प्रयास धाम धनी वाणी के माध्यम से नहीं करते हैं कि तुम जागो, तुम जागो। कई बार ब्रज की लीला से सद्गुरु धनी देवचंद्र जी के समय में ब्रज की लीला के माध्यम से जगाने का प्रयास किया, रास की लीला से, और आज जागनी का ब्रह्मांड चल रहा है। हे सुंदर साथ जी, तुम परिक्रमा खिलवत के अंदर की सागर श्रृंगार की वाणी में डूबकर तुम अपने स्वरूप की, परातम की और राज्य के स्वरूप की पहचान करो। तो यहां दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो गुसल खाने पर हम ये रुका लगा देंगे, चिपका देंगे। तो यहाँ श्रीजी ने उसको आदेश दे दिया था, तो यहाँ रुका लेकर उसने गुसल खाने पर चिपका दिया। और उसमें क्या क्या लिखा था कल हमने सात निशान से तो सुन लिया था कि उस रुके के अंदर क्या क्या लिखा था उस पत्र के अंदर, और आज जो रुका लगाया जा रहा है उसमें भी वो क्यामत संबंधी पहचान तो है कि भाई असराफिल आ गए। कौन है असराफिल? सत्स्वरूप से अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि आ गई, अक्षर ब्रह्म के जोश के फरिश्ते भी आ गए हैं। तुम सुन लो इस संदेश को, तुम सुन लो। और उसी के बाद और भी आगे लिखा इस रुका में क्या क्या लिखा था इस रुका में कि भाई क्यामत का समय आ गया है, इमाम मिंदी जाहिर हो चुके हैं और सात निशान भी जाहिर हो चुके हैं। हे औरंगजेब बादशाह तुम सुन लो। तो जब ये रुके में लिखे हुए ये जो प्रश्न थे सब लिखा गया, ये सब के उत्तर भी दिया गया, और ये रुका जब नंदलाल भाई को हाथ में दिया, रात को उसकी सेवा थी, उसने गुसल खाने पर चिपका दिया, लगा दिया, और उसमें क्या लिखा था, और अब और मैं आगे बताती हूँ कि इस रुके को जो भी मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाए तो उसको पढ़कर जाए, जो नहीं पढ़ेगे उसको खुदा ताला अल्लाह ताला की ओर से फिटकार मिलेगी। तो सब जो मुस्लिम लोग आते थे सुबह से लेकर 9 बज गया, एक पहर पूरा हो गया, 6 से 9 बज गया, एक पहर पूरा हो गया, नमाज पढ़ने के लिए आते थे, रुके को पढ़कर अंदर जाते थे, फिर दूसरा आते था रुके को पढ़कर जाता था। इतना वहाँ शोर मचा हुआ था, सबने पढ़ा रुका, 9 बज गए। और आगे धाम धनी ने क्या बताया कि किसी के अंदर ये जानने की, ये समझने की, किसी के अंदर कोई थोड़ी सी सुगंधी भी नहीं देखी। जब ये नमाज पढ़ने के लिए जाते तो इतना शोर मचा था ने, ये बात तब औरंगजेब बादशाह तक पहुंच चुकी। कैसे पहुंची? जब एक दूसरे के दूसरे से तीसरे ऐसे शोर मचा था तो औरंगजेब बादशाह तक जब एक बात पहुंची तो औरंगजेब बादशाह ने क्या बोला कि इस रुके को जो वहाँ चिपकाया है ना वो लेकर मेरे पास हाजिर कीजिए। तो एक व्यक्ति ने ये रुका औरंगजेब बादशाह तक हाजिर भी किया। देखो वहाँ तक ये संदेश पहुँचे नहीं पहुँचे ऐसा नहीं है, औरंगजेब बादशाह तक। तो इसमें कुरान का प्रमाण भी है कि औरंगजेब बादशाह कुरान का बहुत बड़ा विद्वान था, मर्मज्ञ विद्वान था। उसने बेत मतलब दीक्षा भी ले रखी थी किसके पास? एक शेख अहमद के पुत्र शेख मुहम्मदी सरहिंदी हिंदी के पास उसने दीक्षा भी ले रखी थी। वो कुरान भी पढ़ता था, कुरान में सिपारे में उसने पढ़ रखा था कि क्यामत के समय में इमाम मेहंदी आएंगे तब सात निशान जाहिर भी होंगे। तो उसी हिसाब से उसने पढ़ लिया कुरान के अंदर, तब उसके अंदर मैसेज आया कि जाओ वो रुक्का लेकर मेरे पास पहुंचाओ। तो एक व्यक्ति वो रुक्का लेके किसके पास पहुंचाया? औरंगजेब बादशाह के पास। और जब रुक्का देखा तो उसको पता चला कि रुका तो गुसल खाने से आया है,
जो शेख सलेमान उस रुके के देने की सेवा में खिजमत में उसकी सेवा थी उसने मेरे पास नहीं पहुंचाया है। तब शेख सलेमान को बुलाया और उसको डांटा और क्या बोला कि हे मूर्ख मैं तेरे पर क्या विश्वास करूं, तेरे अंदर ये योग्यता ही नहीं है, तेरे मैं तेरे को ये सेवा सौंपी थी कि किसी की फरियाद हो किसी की कंप्लेन हो तो मेरे पास ये पहुंचाया करो, तूने ये पहुंचाया नहीं तो चल तू इस सेवा से नदी के लोगों को बोल दिया तुम इस शेख सलेमान को उसी सेवा से पोस्ट से उतार दो, उसके अंदर ये योग्यता नहीं है, उस सेवा से आप नौकरी उसकी छीन लो। तो यहाँ शेख सलेमान को छुट्टी दे दी और उसी जगह शेख निजाम जो उसका उस्ताद गुरु था उसके पुत्र शेख अब्दुल्ला को रखा गया और शेख अब्दुल्ला को बोला कि हे शेख अब्दुल्ला तू ढंडेरा पिटाओ कहाँ पूरी दिल्ली शहर में पूरे नगर में कि जो जो फरियादू लोग है मेरे को मैसेज देने के जिस जिस लोगों को काम है जिन जिन लोगों को मेरे तक ये फरियाद पहुँचा। तब उसी समय अब्दुल्ला था और उसी उसने नगर में बुरा संदेश फैला दिया ढंडेरा पिटवा दिया। तब बादशाह ने तो बोला था कि जो फरियादी लोग हो उसको ही सिर्फ यहाँ बुलाओ लेकिन यहाँ उसने गलती कर दी जानबूझकर सबको ढंडेरा पिटा कर बुला लिया तो वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हो गए। बादशाह नमाज पढ़ने के लिए आए जब मस्जिद में तो उसने उसकी नज़र गई बहुत जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे उसको देखकर अंदर विचारने लगे क्या कि अरे मैं तो शेख अब्दुल्ला को क्या बोला था कि तुम फरियादी लोगों को सिर्फ बुलाओ यहाँ तो बहुत से लोग हैं। उसी समय निर्मल दास ध्यान से निर्मल दास और लाल दास वहाँ खड़े हैं शेख अब्दुल्ला ने उसके पास से रुका ले लिया सबका लेकर जाते थे उसके पास से ले लिया और पढ़कर फिर क्या किया फाड़कर जेब में डाल दिया। रुका तो पढ़ा पढ़ने के बाद उसमें क्या लिखा हुआ था हमारी मोमिनों की प्रशंसा मोमिनों की बात। तो उसने क्या सोचा शेख अब्दुल्ला ने कि ये जाहिर नहीं करनी है ये संदेश औरंगजेब बादशाह तक नहीं पहुंचाना है उसे छिपा के रखना है क्योंकि जो वहाँ तक पहुंच जाएंगे तो वो फकीर के चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे इतना नहीं हमारी शरीयत का कर्मकांड का जो शासन है वो समाप्त हो जाएगा इसलिए वहाँ रुका पहुँच यही तो वर्तमान परिस्थिति है। मैंने सोचा ये प्रसंग को पूरा करूँ फिर बाद में और आगे बढ़ूँ। आज सत्य जब जाहिर हो रहा है तो आज समाज में भागवत की गाथा गाई जा रही है। तो यहाँ लालदासी और निर्मल दासी पुकार करने लगे कि हे बादशाह औरंगजेब लालदासी और निर्मल दासी पुकार करने लगे कि हे अब्दुल्ला वहां से जोड़ना बेटा ठीक है हे अब्दुल्ला ये औरंगजेब बादशाह तो हमको मिलने के लिए तैयार थे तो बीच में बाधा रूप बने दज्जाल के रूप में तूने मिलने नहीं दिया। इतना नहीं और आगे दोनों बोलने लगे कि हे अब्दुल्ला और बादशाह को भी सुना रहे कि गुसल खाने पर रुका चिपकाने वाले हम ही तो थे। इतना नहीं तेरे पांच जो नदी के अधिकारी लोग थे शेख इस्लाम शेख निजाम रजवी खान आकिल खान सिदी पोलाद ये पांचों को नलवा पहुंचाने वाले हम ही तो थे। लेकिन बादशाह ने किसी की नहीं सुनी क्योंकि अपना पद प्रतिष्ठा मान के अहंकार में इतने नशे में डूबे हुए थे मतलब इतने चूर थे वो नशे में डूबे हुए थे कि उसने सुनी नहीं। वो वहाँ से निकल गए लालदासी पीछे दौड़े दो छलांग भी लगाई लेकिन घोड़े का मुकाबला थोड़ी कर सकते वो तो घोड़े पर सवार होकर बादशाह निकल गए। फिर
सुंदर सा जी अंतिम क्या बताया, फिर लालदासी और निर्मल दासी दोनों निराश हो गए कि कितना हम प्रयास कर रहे हैं हमारी सकुमार को संदेश देने के लिए, देखो ये तो है तो हमारी परातम हमारी और उसकी साथ में बैठी है, हम एक वाहदत की लीला में है, लेकिन यहाँ राज्य ने कैसा रोल दिया है, कैसी भूमिका वो अदा कर रही है, तो हमारी हंसी क्या होगी। वो दोनों सोच रहे कौन, लालदासी और निर्मल दासी। इतना नहीं आगे विचार किया कि चलो इसी को लेकर एक पत्र हम लिखे, तो ये औरंगजेब बादशाह को लेकर जो जो प्रयास किया गया वो पत्र श्री जी को लिख के कांजी भाई के माध्यम से भेजा गया। और ये पत्र पढ़ते ही श्री जी ने बोला कि तुम जल्दी ना करो, ये काम धैर्य का है। कैसा है ये काम, धैर्य का है, तुम जल्दबाजी मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ, हम आने के बाद आपस में विचार विमर्श करेंगे, उसी के अनुसार हम जागनी कार्य के लिए क्यामत संबंधी संदेश देने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तब सुंदर साथ यहाँ इंतजार कर रहे हैं, किसका, श्री जी का। और ये पत्र में ये लिखा कि हे श्री जी, ये सरा तोरा के सामने हम युद्ध करेंगे, बस आपकी इजाजत चाहिए, आपका आदेश चाहिए, हम मुसलमानों से डरने वाले नहीं है। इतना नहीं और भी आगे किया कि हम सावधानी पूर्वक काम करेंगे, हमारे सिर पर तो राज्य है, तो हे श्री जी आप हमको आदेश दे दीजिए। ऐसा वाला पत्र जब लिख के श्री जी को भेजा, तो श्री जी ने जब उत्तर फिर पत्र के माध्यम से भेजा, तो यहाँ सुंदर सात जी को बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो सुंदर सात इंतजार में थे, दूसरे दिन श्री जी वहाँ पहुँचते हैं, कहाँ, दिल्ली में, और सब आपस में मिलकर बातचीत भी सुंदर सात करते हैं। उसी समय माँ लालबाई भी पास में रहती थी, वो भी आके मिलती है, उसकी बेटी श्यामबाई और उसके दामाद राम राय भी आके मिलते हैं, और आसपास के दिल्ली के और सुंदर साध भी आते हैं, कोई किसी अपने घर से कोई किसी वस्तु को, कोई वानगी को, मिठाई को लेकर आते हैं, सब साथ में भोजन आरोपते हैं। और इतना नहीं अंतिम सुंदर साथ ने बोला कि हे श्री जी आप कोई एक जगह एकांत स्थान में चले जाइए, कोई सुरक्षित स्थान में चले जाइए, हम आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना आपको बुला लेंगे, अब आप सुरक्षित स्थान पर रहिए, हम सरा तोरा के सामने जो संदेश देना है उसी के लिए हम निकल पड़ेंगे, बस सिर्फ आपका आपकी आदेश की बस हम राह दिख रहे। इतना ये बात हुई और श्री जी को विदा किया। अंतिम चौपाई में हम बताया कि इत खुशाल होए के रजा दई श्री राज, जाए पधारो एकांत अब देखो हमारा काज, महामत कहे मोमिनो सुनियो ये बीतक, अब आगे तुमको कहो जो हुआ हो कमत हक। ये खुशाल होए के श्री जी भी प्रसन्न चित्त खुशाल होए के यहाँ से विदा लिया। और इतना नहीं आगे धामधनी ने बताया कि जाए पधारो एकांत, हो तुम एकांत में सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, और हम आपकी छत्र साया में ये जागनी कार्य करते रहेंगे। महामती कहे मोमिनो, हे महामती कहते कि हे सुंदर साथ जी आप इस घटनाक्रम को, के घट क्या घटनाक्रम को, अब नलुवे के घटनाक्रम को और ये रुक्के के घटनाक्रम को, जो चिपकाने का, और किसके माध्यम से, नंदलाल घड़ियाल जी के माध्यम से इसी प्रसंग को देखा, और कल के घटनाक्रम को राज जी बता रहे कि मेरे हुक्म से मैं कल के घटनाक्रम में आगे जो घटनाक्रम घटित होगा ये कल के प्रसंग में हम देखेंगे। इतना कहकर यह वाणी को विराम देंगे। बोले श्री प्राणनाथ, चौपाई दोहराइए, महामती कहे ये मोमिनो सुनियो एह बीतक, अब आगे तुमको कहो जो हुआ हुकम हक, जो
हुआउ कमाक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्रणाम।